हेलो एवरीवन, अभी के सेशन में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2019 ऑड में पूछा गया है, इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, इन 2D ग्राफिक्स इफ S1 एंड S2 आर टू स्केलिंग मैट्रिक्स एंड T1 एंड T2 आर टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्केलिंग मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दिया गया है। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्केलिंग, ट्रांसलेशन और उसके बाद में शेयरिंग और रिफ्लेक्शन को पढ़े थे। यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है स्केलिंग और ट्रांसलेशन का। तो वहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे एस एक्स और एस वाई से, यहाँ पे दिया गया है S1 और S2। तो ये जो स्केलिंग मैट्रिक्स है ये जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि अगर S1 मल्टीप्लाई बाई S2 करते हैं तो इसके बराबर होगा S2 मल्टीप्लाई बाई S1, यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देख पाते हैं कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पे S1 और S2 का कम्यूटेटिव लॉ बताया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर 0 इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे टी होगा टी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि टी का जो पैरामीटर टी है इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनता है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस, यहाँ पे पी नॉट प्लस P1 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि देखेंगे आप यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस रहेगा, ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो इससे आप मैचिंग करवा लेंगे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, GIF सपोर्ट्स, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्रुप, ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्रुप होता है, और ये जो है ना टोटल 256 कलर को सपोर्ट करता है, 256 कलर को ये सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, ड्रैगिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी अचीव्ड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा कि अगर आप ड्रैगिंग करना चाहते हैं, ड्रैगिंग करने का मतलब क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना उसके प्लेस से चेंज कर रहे हैं, उसको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह कर दे रहे हैं, उठा कर रख दे रहे हैं, तो ये किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना अचीव किया जा सकता है? तो ऑप्शन में है यहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग और मिरर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो होता नहीं क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री पे इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको स्केलिंग, स्केलिंग हम क्या करते हैं कि उसको जूम इन या जूम आउट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रोटेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिसएडवांटेज ऑफ DDA, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है इसका जो है ना डिसएडवांटेज क्या है, तो जो हम लोग इसका डिसएडवांटेज पढ़ते थे उसमें देखे थे राउंड ऑफ एरर, यानी कि इसके एरर को जब हम लोग राउंड करते हैं ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स है, ब्रेसनहम लाइन ड्रॉइंग इज सुपीरियर देन DDA बिकॉज, यानी कि जो DDA है और ब्रेजनहम है दोनों में अगर कंपेयर करता है तो कह रहा है कि ब्रेजनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है ना DDA से सुपीरियर है। क्यों? ऑप्शन ए में है, इट डज नॉट रिक्वायर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, नो राउंड इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन बी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है ना ब्रेजनहम में एडवांटेज की तरह काम करता है, यानी कि ये जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इसमें आवश्यकता नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और कोई भी इसमें राउंड अप करने की आवश्यकता नहीं है। राउंड अप की वजह से जो है ना DDA एल्गोरिथम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और यहाँ पे राउंड अप करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द मेमोरी आर विच होल्ड्स ए सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट, या कह रहा है कि वह मेमोरी जो सारे स्क्रीन पॉइंट के वैल्यू के लिए जो इंटेंसिटी को होल्ड करता है वो कौन होता है? तो हम लोग पिक्सल को रिप्रेजेंट स्टोर करने के लिए क्या करता है? फ्रेम बफर, और फ्रेम बफर ही जो है ना उसके स्क्रीन पॉइंट के जो लोकेशन होता है उसके इंटेंसिटी को होल्ड करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेम बफर। क्वेश्चन नंबर एट है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन फ्रेम बफर इज कॉल्ड, जो हम लोग अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रीवियस सेशन में कैलकुलेट किए थे फॉर्मूला से उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा था, यहाँ पे कहा जाता है बिट प्लेन, बिट प्लेन राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन है, द स्लोप ऑफ बेजियर कर्व एट द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व इज कंट्रोल्ड बाई, मतलब जो बेजियर कर्व का जो है ना
जो स्लोप होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल होता है कंट्रोल पॉइंट, या टू कंट्रोल पॉइंट होता है, या थ्री कंट्रोल पॉइंट होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थ्री कंट्रोल पॉइंट होता है वेजियर कर्व में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेड बफर एल्गोरिथम इज यूज फॉर। जेड बफर एल्गोरिथम हम लोग जो यूज करते हैं बताया है हिडन लाइन रिमूव करने के, जो लाइन हिडन है जो नहीं दिख रहा है उसको रिमूव करने के लिए जेड बफर एल्गोरिथम को हम लोग यूज करते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन प्रोजेक्शन लाइन आर परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन देन सच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। प्रीवियस सेशन यानी कि 2019 इवन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्शन दो तरह के हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, पैरेलल प्रोजेक्शन और प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। और पैरेलल दो टाइप का होता है, ऑर्थोग्राफिक और ओब्लिक। तो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है इसमें जो है ना जो प्रोजेक्शन लाइन होता है वो व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जबकि ओब्लिक में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किसमें जो है ना प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर होता है व्यू प्लेन के, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आफ्टर आर्बिट्रेरी टू डी ट्रांसफॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि जब आप आर्बिट्रेरी टू डी ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं तो जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो भी पेयर आप कितना बार भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, चाहे 2D हो या 3D हो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं वो रिमेन्स पैरेलल ही होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कह रहा है कि सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम इज यूज फॉर। जो सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम होता है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम हम लोग पॉलीगन क्लिपिंग को के लिए यूज करते हैं। और पॉलीगन हम लोग देखे थे दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि द टर्म दैट इज नॉट सिनोनिम्स विथ वेक्टर सीआरटी। तो सीआरटी दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर और राष्ट्र, का कि कौन सिनोनिम्स नहीं है, तो वेक्टर का उल्टा क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्र सीआरटी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि राष्ट्र मींस मतलब राष्ट्र का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं, सीरीज ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स नो, सीरीज ऑफ पैरेलल मीडियम्स ये भी नहीं होगा, सीरीज ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स, यस सीरीज ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड बाय। रिजोल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट नहीं, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस ये भी नहीं होता है, नंबर ऑफ पिक्सल ये हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है जो लास्ट में पूरा किया गया है, नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। नंबर ऑफ पिक्सल यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितने पिक्सल हैं, उन पिक्सल को काउंट करेंगे तो हमारा रिजोल्यूशन फाइंड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट लेंथ को हम लोग रिजोल्यूशन कहेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ब्रेजनहम सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम इफ एक्स वाई इज द करेंट पिक्सल पोजिशन देन द एक्स वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट पिक्सल पोजिशन इज। कह रहा है कि ब्रेजनहम जो है ना यहाँ पे सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम है और एक पोजिशन है जिसका एक्स वाई जो है ना कोऑर्डिनेट है, तो कह रहा है जो एक्स का जो है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ भी ना पॉजिटिव कह रहा है ना निगेटिव, यानी कि ना एंटी क्लॉक वाइज ना क्लॉक वाइज दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कहेंगे या एक्स प्लस वन होगा। यहाँ पे हालांकि दो हो सकता है, अगर ऑप्शन में रहता है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन तो दोनों मार दे, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है सिर्फ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अलग अलग है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जब ब्रेजनहम सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम होगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड व्यूइंग द पिक्चर विथ डिफरेंट व्यू इज कॉल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यू को देखते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को विंडोइंग कहते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोस्ट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट अप्लाइड इन थ्री डायमेंशनल प्लेन्स आर। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कह रहा है, यहाँ पे 3D में कह रहा है, थ्री डायमेंशनल प्लेन में, तो हम लोग 3D में पढ़े थे, ट्रांसलेशन भी पढ़े थे, स्केलिंग भी पढ़े थे और रोटेशन भी पढ़े थे। तो यहाँ पे तीनों होता है 3D में, चाहे वो 3D की बात हो या फिर 2D प्लेन की बात हो, तो 3D में और 2D में दोनों ही प्लेन में जो है ना हम लोग ट्रांसलेशन भी करते हैं, स्केलिंग भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोजेक्शन शो, जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वो क्या शो करता है। तो जब हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्शन में पढ़े थे दो तरह का प्रोजेक्शन होता है, एक तो प्रोजेक्शन होता है आपका पैरेलल और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव। ये दो तरह का प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े थे।
पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़े थे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्योंकि पैरेलल दो टाइप के हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे पढ़े थे आपको ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, और दूसरा पढ़े थे हम लोग ओब्लिक, ओब्लिक। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफिक में कि जब व्यूइंग प्लेन होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होता है व्यू प्लेन के, होता है ऑर्थोग्राफिक, और जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो होता है ओब्लिक। यहाँ पे कह रहा है पैरेलल प्रोजेक्शन से संबंधित क्या है आपको ये बताना है, पैरेलल से संबंधित। ये कह रहा है कि ट्रू इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या ट्रू इमेज ऑब्जेक्ट का देता है, ट्रू साइज, हाँ ट्रू साइज भी देता है, और ट्रू शेप, ट्रू शेप भी देता है। तो इसका राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।